पंजाबी एकत चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण तक दी वड्डी खबर, ड्रग्स मामले च फसे साबका अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया नूं पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट वल्लों राहत नहीं मिली है। बुधवार नूं यानी अज अदालत च मजीठिया दी अगाऊं जमानत पटीशन ते सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत वल्लों पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी किया गया है। इसका जवाब पंजाब सरकार वल्लों 8 जनवरी तक अदालत च दाखिल किया जाना है। इस दे नाल ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी नूं होनी तय की है। दस दें कि मजीठिया खिलाफ 20 दिसंबर मोहाली के स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन च नशा तस्करी मामले च FIR दर्ज की गई थी, जिस तो बाद हुण तक फिलहाल मजीठिया लापता दस्या जा रहा है। केंद्र ते सूबा सरकारां नूं डर है कि मजीठिया गिरफ्तारी तो बचण लई देश तो बाहर जा सकता है, इस करके अकाली दल सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ड्रग विरोधी विशेष जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे नवंबर 2017 हरियाणा हाईकोर्ट दायर की गई थी। इसके बावजूद SIT हुण दावा करती है कि सीलबंद रिपोर्ट में मजीठिया का नाम नशा तस्करी रैकेट में शामिल मुलजम वजो दर्ज है। पंजाब पुलिस के सूत्रों अनुसार SDF के मुखी ADGP हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया खिलाफ धारा 25, 27A, 29 NDPS तहत केस दर्ज किया गया। सो इस तक की वही खबर, होर खबर देखने साढ़े चैनल बने रहो। धन्यवाद।